आज हम बनाएंगे चिकन कफ्सा मसाला। तो हमने सबसे पहले चिकन लिया है, उसे चार पांच पानी से धोया है और उसे हमने साफ़ किया, अच्छे से साफ़ कर लेना है हमने। और ये हमारा ओवन है, हम इसमें बनाएंगे। और उसके बाद हमने ये प्याज इसमें ऐड किया है, प्याज को धोया था और उसको हमने काटा है बारीक सा। प्याज भी धो लेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे रेसिपी बनाते टाइम। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने इसमें पीस के रखा था। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, ये शॉप में मिलता है। अदरक लहसुन का पेस्ट था, जैसा कि हमारी आज की रेसिपी है चिकन कफ्सा मसाला। काफ़ी टेस्टी है और मज़ेदार है, इसे हम आराम से बनाएंगे। थोड़ा देर इसे चिकन को जो है बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। स्वाद के मुताबिक आप जितना खाना चाहते हैं उतना ही ऐड करें, ज़्यादा ऐड ना करें। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे और हमने इसमें थोड़ा सा आलू जो है इसको भी हमने साफ़ किया था, दो तीन पानी से इसे धो लेंगे और इसमें हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे। काफ़ी टेस्टी मज़ेदार है, टेस्टी फूड है ये चिकन कफ्सा मसाला। काफ़ी बेटर रेसिपी है, इसे आराम से चला लेंगे। और इसे वॉश करना ना भूलें, जैसा कि हमने दो तीन पानी से चिकन भी वॉश किया था, प्याज भी हमने धोया है और आलू जो है उसे भी वॉश करना है। साफ़ सफाई का ख्याल करेंगे। काफ़ी अच्छी और शानदार मज़ेदार रेसिपी है ये हमारी। और इसे हम 15 से 20 मिनट इसे हम पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे, बॉईल करेंगे। और ये चिकन है, जैसा कि हमने इसे 15 से 20 मिनट उबाला था और ये बॉईल हो चुका है। और हमारा जो पोटैटो है वो भी बॉईल हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मसाला तैयार करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें गरम करेंगे हम। मसाला तैयार करना है ना इसके बाद। ये हमारा ऑयल है, इसे हम थोड़ा सा गरम करेंगे। उसके बाद इसमें हम जैसे कि प्याज इसमें ऐड करेंगे। मसाला तैयार करना है हमारा, जैसे कि हमारी आज की रेसिपी थी चिकन कफ्सा का, भी बेस्ट ऑसम बेस्ट बेटर रेसिपी है ये। मुझे इसे बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर इस रेसिपी को बनाता हूँ, आप भी बनाएं। काफ़ी टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है चिकन कफ्सा मसाला। और ये हमारा गरम मसाला है, और ये हल्दी है, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये रेडीमेड मसाला है, और ये धनिया पाउडर है, और ये गरम मसाला है। तो जैसा कि हम इसे मसाला तैयार करेंगे, ये हमारा अदरक लहसुन प्याज और मिर्ची है, जैसे कि हमने इसे मिक्सर के अंदर पीसा था ताकि हमारी जो रेसिपी है टेस्टी बने, मज़ेदार है। स्वाद के लिए हमने इसे बनाया, टेस्ट के लिए, ताकि मसाले में हमारे टेस्ट आए। और इसमें हम ऐड करेंगे, और फिलहाल ये प्याज है इसे थोड़ा सा लाल करेंगे, लाल कर लेना है, काफ़ी बेटर रेसिपी है। लाल करेंगे इसे हम। और ये हमारा प्याज है जो लाल हो चुका है, इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था इसे हमने ऐड कर लेना है। और ये हमारा मसाला, जैसे हमने आपको दिखाया था, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके बाद हमने इसमें मसाला जो है हम इसे बनाएंगे, पकाएंगे अच्छे से, कच्चा ना रखें। काफ़ी टेस्टी मज़ेदार है ये फूड हमारे चिकन कफ्सा मसाला जो है, बेस्ट ऑसम रेसिपी है, शानदार है, मज़ेदार है। इसे पकाएंगे हम। आज मैं आपको एक अच्छी बेस्ट रेसिपी बना के दिखाऊंगा। अगर आपको इसी तरह हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। ये हमारा मसाला है, इसे हम पकाएंगे अच्छे से। और ये हमारा टमाटर है, हमने इसे बारीक सा काट के रखा था। टमाटर है जो ऐड करने से जो मसाले में काफ़ी स्वाद आ जाता है, खाने में काफ़ी बेटर है,
मुझे इसे बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अक्सर मैं टमाटर जो है ऐड करता हूँ, आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसे हमें बना लेना है। 15 से 20 मिनट हम मसाला जो है इसे पकाएंगे। और ये हमारा मसाला, जैसा कि 15-20 मिनट के बाद हमने इसे देखा है, ये देखे पक चुका है। और इसके बाद हमने इसमें चिकन जो है जो हमने उबाला था, और पोटैटो भी उसे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेना है हमें। और इसे हम 5 मिनट जो है वो और अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारी जो रेसिपी है वो कच्ची ना रहे। चिकन कब्सा मसाला जैसे हमने आज आपको बना के दिखाया, इसे 5 मिनट हमने इसे और पका लेना है। और ये 5 मिनट जो है पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें जो है कोथमीर इसमें ऐड करना है। कोथमीर भी धो लेंगे, 2 से 3 पानी से कोथमीर धोएंगे। और उसे हमने बारीक काट के इसमें ऐड किया है चिकन कब्सा मसाला में। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी रेसिपी है जो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।